अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपनी व्हाट्सएप की वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उससे इंटरनल वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इससे आप गेम प्ले भी बआसानी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और इस एप्लीकेशन पर आप तकरीबन 2K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर अहमद, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कौन सी एप्लीकेशन है और इसको यूज़ हमने किस तरह करना है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और इस एप्लीकेशन का नाम है एक्स रिकॉर्डर। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको इसका देखने को मिलेगा। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर इस पर आपने पहले ही कोई वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की हुई हैं तो वो आपके सामने शो हो जाएंगी, अगर पहले रिकॉर्ड नहीं की हुई तो वो आपके सामने शो नहीं होगी। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन की एक मेन बात यह है कि आप इस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उस वीडियो को इसी एप्लीकेशन में एडिट भी कर सकते हैं और अपने फ़ोटोज़ वगैरह भी एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होगी। इसके लिए हम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। तो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ऑडियो सेटिंग। ऑडियो सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आप अदर कोई माइक वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उसको इंटरनल ऑडियो पर क्लिक करके उस माइक के ज़रिए आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई माइक वगैरह नहीं है तो आप सिंपली माइक्रोफोन से ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ से इसका वॉल्यूम आप हाई या लो कर सकते हैं, और नीचे नॉइस रिडक्शन के ऑप्शन पर भी आप ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आपकी वॉइस के साथ जो भी नॉइस वगैरह रिकॉर्ड होती है वो ईज़िली रिमूव हो जाए। तो वीडियो सेटिंग पर आ जाते हैं। वीडियो सेटिंग पर आप लोगों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए होंगे कि आप अपनी वीडियो किस क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं, फुल एचडी में करना चाहते हैं या उससे कम करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैंडस्केप में करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से नीचे रिकॉर्डिंग मोड दिया गया है, रिकॉर्डिंग मोड भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने तो नॉर्मल मोड किया हुआ है, आप भी जो करना चाहते हैं वो कर लें। और नीचे ऑप्शन दिया है काउंट डाउन बिफोर स्टार्ट। जब आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको 2-3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर उस टाइम को आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो वो भी ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरा कमाल का ऑप्शन इसमें ये है, आप अपनी वीडियोस को हाइड भी कर सकते हैं जो भी आपने यहाँ पर रिकॉर्ड की हुई होंगी। तो दोस्तों, मैं भी अपनी वीडियो इसी से रिकॉर्ड करता हूँ, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। नीचे टूल्स में आ जाते हैं। टूल्स में हमें 3 तरह की सेटिंग दी गई है। सबसे पहले हमें कैमरे की सेटिंग दी गई है। इस कैमरे का मेन मकसद ये है कि आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपने वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने यह कैमरा ओपन किया तो आप इससे बैक कैमरे से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से भी, और आप इसको जहां भी मूव करना चाहें इसको इजीली मूव कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूं। और हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो स्क्रीनशॉट का है, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये जो ब्रश है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ब्रश का मेन मकसद यह है, ये जो भी मैं एरो वगैरह बना रहा हूँ वो सारे इसी ब्रश से ही मैंने सेट किए हैं। तो दोस्तों, ये कमाल की एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करें, इसके सारे फंक्शन आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उस वीडियो को आप इसी एप्लीकेशन में एडिट कर सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ वगैरह भी एडिट कर सकते हैं और अपनी वीडियो भी इसी एप्लीकेशन में एडिट कर सकते हैं। आपको किसी और एप्लीकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए हम इस पेन के निशान पर क्लिक करेंगे। सभी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप यहाँ से अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं।